डीबीके न्यूज बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब कुख्यात गैंगस्टर भूपी राणा की भी एंट्री हो गई। राणा ने वह सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेगा। राणा ने कातिलों का पता बताने के लिए 5 लाख इनाम की घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राणा ने कहा कि कातिल पंजाब या कनाडा अमेरिका बैठा हो, उसके बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। राणा ने अपने ग्रुप में दविंदर बम्बैया, नीरज बवाना, टीलू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, गोंडर सुनील राठी और शेरा खुबन को भी साथ में बताया। भूपे राणा ने लिखा कि मूसेवाला का मानसा में कत्ल कर दिया गया। पंजाब इंडस्ट्री में जट की तूती बोलती थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड झूठे फैम के लिए कहते हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बराड और विक्की मिंडुखेड़ा के कत्ल में बम्बैया ग्रुप की मदद की, ये बात झूठी है। हम जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। लॉरेंस ग्रुप जो भी करता है अपने मरे लोगों के साथ जोड़ देता है। जिसने भी मूसेवाला के कत्ल में मदद की उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा। सिद्धू के परिवार, दोस्त और प्रशंसकों से हमारी हमदर्दी है। हम सिद्धू को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मौत का बदला जरूर लेंगे। दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना भी मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दे चुका है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली का दाऊद नाम से मशहूर नीरज बवाना का ताल्लुक डी कंपनी तक से माना जाता है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर की पुलिस एक बार फिर चर्चा में। इस बार जोधपुर पुलिस की स्वयंहीनता चर्चा का विषय बनी। दरअसल एसपी ऑफिस प्रताप नगर के बाहर एक शव मिला जो संभवतः किसी वाहन द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति का था। एसपी ऑफिस के बाहर शव होने के चलते एसपी ऑफिस में कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने शव को एक कचरे की गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। इस कचरे की गाड़ी में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसी से पुलिस ने शव को रखवा दिया। जब ये बात पुलिस के अधिकारी तक पहुंची तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। आखिर जवानों में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? एसपी प्रताप नगर प्रेम धन है और कहा कि पाल रोड पर यह घटना हुई, उसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजस्थान बोर्ड साइंस में गीतांजलि स्कूल भिलाड़ा की छात्रा निकिता कुमावत पुत्री सत्यप्रकाश पटेल ने 96% अंक प्राप्त कर भिलाड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निकिता ने बताया कि मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनकर गरीब असहाय लोगों की मदद करना है। वहीं निकिता ने इस उपलब्धि को श्रेय अपने माता पिता व गीतांजलि स्कूल को दिया। वहीं कल शाम तक गीतांजलि स्कूल प्रशासन व भिलाड़ा पटेल समाज के लोगों ने भिलाड़ा में टॉप रही निकिता का स्वागत कस्बे में जुलूस निकाल कर किया। रायबरेली पुलिस की चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। अवैध गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजे की कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार 2 से 2.5 करोड़ की बताई जा रही है, जबकि ये गांजे के विदेशों में और बिक्री की कीमत 5 से 6 करोड़ की बताई गई है। करोड़ों रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए। इनके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस भी बरामद हुआ। चेकिंग के दौरान थाना डलमऊ क्षेत्र पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से गांजा पकड़ा गया। पकड़े गए रघुनाथ गोसाई निवासी ताजपुर रोड निवासी लुधियाना पंजाब और संतोष राठौड़ ट्रांसपोर्ट नगर थाना लुधियाना पंजाब के रूप में दोनों की पहचान हुई। दोनों पर संबंधित अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। कैसरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनी गांव में बीती रात घर में सो रहे लोगों पर 4 लोगों ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें सो रहे एक लड़के को गोली लगी और दूसरा लड़का घायल हो गया। तभी हमलावर वहां से भाग निकले और घर वालों ने 112 नंबर पर सूचना दी, लेकिन काफी देर तक 112 नंबर नहीं पहुंची। तब घर वालों ने कैसरगंज थाने पर सूचना दी। गैंगस्टर लॉरेंस की पिटीशन पर पंजाब हरियाणा की हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। लॉरेंस को पंजाब पुलिस पर उसे एनकाउंटर करने का शक है, वहां पंजाब नहीं आना चाहता। हालांकि मानसा पुलिस ने उसे पंजाब लाने की पूरी तैयारी कर ली। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम 5:30 बजे मानसा के ज्वार के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस का खास है।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 लाख के नामी गैंगस्टर शाहरुख से पूछताछ का ब्यौरा सामने आया। शाहरुख ने कहा कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई, जिसके बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस से पूछताछ करना चाहती है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल के बाद अब बाड़ेबंदी की बारी है। कांग्रेस और भाजपा अपने कुंबे को संभालने की तैयारी में जुटी। कांग्रेस को आशंका है कि भाजपा अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला के बयानों के बाद भाजपा अब खुलकर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अग्नि परीक्षा से कम नहीं, विधायकों के कुंबे से विरोध के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे हैं। अब सबको चुनाव तक काबू में रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विरोधी गात लगाकर बैठे हैं, मौका मिलते ही हमला तय है। कांग्रेस सरकार के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों का जवाब भाजपा एलिफेंट ट्रेडिंग से दे रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानव्यापी सर्वे का वीडियो लीक होने पर आपत्ति जाहिर करते हुए वीडियो के फर्जी होने की आशंका जाहिर की। ओवैसी ने कहा कि यह वीडियो सच है तो ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और मस्जिद रहेगी, उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि आप सिलेक्टिवली वीडियो लीक कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1991 का एक्ट लागू है और 1947 में ये मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। वीडियो एडिट किए जान गए हैं और सच तो हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्ट लागू है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने इस मसले पर कांग्रेस के चुप रहने पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने अजमेर दरगाह को लेकर कहा कि जो लोग कहते हैं कि अजमेर दरगाह मंदिर है वो हिमाकत कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ओवैसी ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि डायवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यह झूठ है कि मुसलमान 3-4 शादी करता है, बहुत अधिक बच्चे पैदा करता है। ओवैसी ने कहा कि पहले गोवा में कानून बदल कर दिखाएं कि 30 साल तक शादी होने पर दूसरी शादी कर सकते हैं। नव संकल्प फेवर के घोषणा पत्र पर कांग्रेस में अमल शुरू हो गया। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, महेंद्रजीत मालविया और गोविंद राम मेघवाल ने संगठन के अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया। ये तीनों मंत्री प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीनों ने एक एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत लिखित में अपने त्याग पत्र सौंप दिए। वह प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल संदीप चौधरी, जसवंत गुजर और सचिन सरवटे ने भी पद से इस्तीफा दिया। ये इस्तीफे एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के साथ ही एक ही पद पर 5 साल से ज्यादा समय तक रहने के चलते दिए गए। पीसीसी चीफ डॉटासरा ने बताया कि इसी तरह 5 जिलाध्यक्ष ने अपने इस्तीफे भिजवाए हैं। ये सब इस्तीफे आगे की कार्रवाई के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माखन को भिजवाए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान